अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आपके अपने चैनल में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों इस चैनल में हम लोग बात करते हैं YouTube, Facebook, Instagram और इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की सोशल मीडिया वेबसाइट से आने वाली नई अपडेट के बारे में। हम देखते हैं कि कौन सी नई वेबसाइट कब नई अपडेट लॉन्च कर रही है, वो कब इसे उसका इतलाक होगा, का क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं और कैसे हम लोग इसको अपने फायदे और नुकसान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि YouTube, Instagram और Facebook जैसी वेबसाइट्स क्या क्या काम कर रही हैं, क्या क्या नए फीचर्स लेके आ रही हैं, क्या क्या पुराने फीचर्स खत्म कर रही हैं और कैसे कम्युनिटी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि YouTube जैसी वेबसाइट जो है वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कैसे कैसे अपडेट्स लेकर आती हैं, इन अपडेट्स से क्या फायदे होते हैं और इन अपडेट्स से हम लोग क्या फायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप YouTube, Facebook, Instagram और ऐसी किसी भी किस्म की सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि स्नैपचैट वगैरह से किसी भी किस्म की आने वाली अपडेट को मिस नहीं करना चाहते तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वेलकम बैक टू दिस न्यू सीरीज। ये सीरीज का तीसरा पार्ट है। इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे आप ऐसे अपने YouTube चैनल को खराब कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए अपना YouTube चैनल डीमोनेटाइज करवा सकते हैं। अगर आपका चैनल पहले ही मोनेटाइज नहीं है तो अगर आप कैसी ऐसे हरकतें हैं जिन्हें करके अपना चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। दोस्तों इसी सीरीज का तीसरा पार्ट है। पहले दो सीरीज में हम लोग बात की कि आप अपने चैनल पर गलत टाइटल डालते हैं तो भी आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा और मोनेटाइज है तो नहीं होगा मोनेटाइज। और दूसरी चीज ये थी कि थंबनेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीसरी ऐसी वो कौन सी चीज है जिसके जरिए अगर आप अपने चैनल पर कर रहे हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर चैनल पहले से मोनेटाइज है तो हो सकता है आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाए। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी साथ में चीज है जिसके जरिए अगर अपने चैनल को डीमोनेटाइज कर सकते हैं और अगर आपका चैनल पहले से ही मोनेटाइज है तो हो सकता है आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाए तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे के बटन को दबा ले ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों देर के बगैर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों तीसरी वो चीज जिसके जरिए आप अपने यूट्यूब चैनल अच्छे खासे को बर्बाद कर सकते हैं वो है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों पहले जब आप लोग यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बहुत होती थी लेकिन डिस्क्रिप्शन से ज्यादा जरूरी होते हैं टैग, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब टैग से ज्यादा जरूरी है डिस्क्रिप्शन। दोस्तों जैसे ही लोगों ने टैग्स लगाए थे, यूट्यूब ने टैग्स का ऑप्शन ऑफ किया था तो बहुत ज्यादा लोग तकरीबन हर कोई यूट्यूबर टैग्स का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वीडियो का काम कोई और था, वीडियो में किसी चीज किसी और, वीडियो में टॉपिक में बात किसी और चीज के बारे में हो रही है लेकिन इस पर टैग्स किसी और चीज के लग रहे हैं। वीडियो का ताल्लुक किसी भी किस्म से सूरत से नहीं होता जो इसमें टैग लग रहे थे। ऐसी सूरत में यूट्यूब के एल्गोरिथम को खराब किया जा रहा था लेकिन यूट्यूब ने आहिस्ता आहिस्ता अपने एल्गोरिथम को चेंज किया है और अब टैक्स कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है YouTube की डिस्क्रिप्शन। हम डिस्क्रिप्शन में जैसे जैसे कीवर्ड्स आएंगे वैसे वैसे आपके व्यूज आएंगे, इसलिए आप चाहिए कि आप अच्छी अच्छी डिस्क्रिप्शन डालें, जैसे कि अजीब डिस्क्रिप्शन डाल दें कि खाली हेलो और सब्सक्राइब लिख दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपको डिस्क्रिप्शन पर मिसाल के तौर पर जब पहला यूट्यूब ने अपने नए नए ऑप्शन शुरू किया था टैग्स और डिस्क्रिप्शन का तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अजीबोगरीब टैग्स डालते थे। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वीडियो है किसी टॉपिक के बारे में, जैसे कि इंफॉर्मेशन की वीडियो बना रहे हैं, जो क्रिकेट की वीडियो बना रहे हैं और इस वक्त जब आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो ट्रेंडिंग पे किसी गाना चल रहा हो, अब आप देख रहे हैं कि आपकी वीडियोस में किसी भी किस्म में रिमोटली भी इसका ताल्लुक उस वीडियो से नहीं है जो ट्रेंडिंग पे है, तो आप क्या करें अपने टैग्स में बजाय ऐसी है कि अपनी वीडियो अच्छी बनाए उस वीडियो उस टॉपिक के बारे में, अब अपने टैग्स में खाली उस टाइटल उस गाने का टाइटल उस गाने के टैग्स डाल दें। ऐसी सूरत में लोगों को व्यूज तो आ जाते थे लेकिन ये सब स्पैमिंग में आता है। अब यूट्यूब ने इन सबको स्पैमिंग में डालना शुरू कर दी है। अब अगर आप अपने यूट्यूब पर इस एल्गोरिथम को स्पैम करेंगे तो अमूमन वो आपके चैनल को अनसब्सक्राइब भी करेंगे और लोग डीमोनेटाइज भी कर देंगे। दोस्तों ये उन चीजों में से एक है जो आपको अच्छे खास व्यूज तो लेकर आ सकती है लेकिन जो यूट्यूब का व्यू है यूट्यूब से मुतल्लिक यूट्यूब पर क्रिएटिव लोगों को आगे लेकर आया जाए और जो इस तरह का काम करके यूट्यूब के एल्गोरिथम खराब करते हैं ये इसके बिल्कुल मुनाफी होता है। इसलिए यूट्यूब ने अपनी पॉलिसीज को बहुत सख्त कर दी है। अगर आप अपने चैनल पर वीडियोस डाल रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर वैलिड तरीके से काम करें, अब अपने चैनल का टैग्स अच्छे लगाएं, अब अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन अच्छे लगाएं, अपने चैनल की वीडियो अच्छी बनाएं और प्रॉपर उसी तरीके से काम करें जिस तरह यूट्यूब चाहती है। इस तरह ही आपका चैनल मोनेटाइज होकर आगे काम कर सकेगा। दोस्तों ये उन चंद अहम चीजों में से एक है जो कि आजकल के यूट्यूब पर जरूरी है। पहले तो आप किसी तरह मोनेटाइजेशन ऑन करवा सकते थे, बस आपको खाली 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉचिंग चाहिए होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको इसके साथ इन तमाम चीजों पर भी मीट करना पड़ेगा वरना आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप डीमोनेटाइज नहीं होना चाहते तो अभी अपने चैनल को जो है उस पर डिस्क्रिप्शन की अच्छी वीडियो स्टार्ट करना शुरू कर दें। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंटरनेट से पैसे कमाते रहिए। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।